सभी स्टूडेंट को नमस्कार। सबसे पहले नाइन क्लास विद्यार्थियों को इतना समय रखना है, ये मैथ से आपका आठवीं के बेस से मैथ से अलग है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले सब सूत्र याद करना पड़ेगा, सूत्र याद करने के बाद गुणनखंड याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब 2.5 का जो एग्जाम्पल है ये सूत्र के आधारित है। यदि सूत्र आपको नहीं आता हो, जैसे ए प्लस बी कॉस तक का वर्ग, ए माइनस बी कॉस तक का वर्ग, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉस तक का वर्ग, इसमें माइनस प्लस आते हैं, तो ये सभी फिर एक्स का वर्ग प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसके आधारित एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। दूसरी बात, ये जो संख्या देते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, सूत्र याद नहीं आता है तो दोनों का गुणा करके रख देते हैं। अरे भाई, गुणा ही आपको सिखाना हो तो नाइन में क्यों लाए, दूसरे तीसरे में नहीं पढ़ा देते हैं। ये है नाइन के बेस में, उसको ए प्लस बी और एक्स प्लस बी, अथवा एक्स ए प्लस बी एक्स माइनस बी, अर्थात दोनों माइनस में हुए, एक्स माइनस बी ए एक्स माइनस बी, तीनों सूत्र के आधारित इसमें एग्जाम्पल आता है। जो संख्या दिया है एक्स प्लस ए प्लस 103 अरे 100 प्लस 3, 100 प्लस 7 अथवा 4, जो संख्या दिया है उसको प्लस कर देना। आपको सिंपल एग्जाम्पल सूत्र नहीं आता हो तो एक दूसरा भी एक इसका गणना है कि 100 को दूसरा कोष्ठक के साथ पूरा गुणा करना, और इधर 3 है ना, इसको भी दूसरा कोष्ठक के साथ पूरा गुणा करना, और कोष्ठक निकाल लेंगे गुणा करके और फिर बाद में योग करेंगे तो अभी इतना ही जवाब आएगा। तो पहला उसी बेस पर है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स का वर्ग प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो 100 का वर्ग प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, तो इसका आंसर आएगा 11021। बराबर, सूत्र भी आपको दे दिया है। दूसरा एग्जाम्पल है 95 96, इसमें 100 ले लेना, 100 प्लस 5 100 माइनस 4, आपको पता है एक प्लस और एक माइनस संख्या अलग अलग है, यदि दोनों संख्या समान हो तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग, लेकिन ऊपर का जो सूत्र है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी दोनों जो सूत्र है आपका दोनों माइनस में है, इसलिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, 100 का वर्ग प्लस माइनस 5 माइनस 4 गुणा दोनों का योग गुणा 100 प्लस माइनस 5 माइनस 4 का गुणा, 100 का वर्ग है आपका 10,000 माइनस 5 माइनस 4 का योग है माइनस 9 गुणा 100 इसलिए 900, और लास्ट में माइनस 5 माइनस 4 का गुणा प्लस 9 प्लस 20, तो आपका आंसर आएगा 9,120। बराबर, और तीसरा एग्जाम्पल है आपका वही सेम टू सेम 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ये सूत्र लगाया 100 दोनों में 100 4 लेकिन प्लस और माइनस, तो इसका सूत्र आता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए वर्ग माइनस बी वर्ग, 100 का वर्ग माइनस बी 4 का वर्ग, तो 16 इसमें से घटाव कर दो तो आपका 10,000 में से तो 9,984 आंसर आता है। तो ये हुआ आपका प्रश्न 2 का एग्जाम्पल। अभी प्रश्न 3 का एग्जाम्पल में सर्व समीकरण प्रयोग करके गुणनखंड करना है। वही एक प्रश्न अलग टाइप से पूछते हैं, बाकी रीति वही है। सर्व समीकरण यानी इसका सूत्र के अनुसार यदि प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद कौन सा है आपका 9x का वर्ग और अंतिम y का वर्ग, यदि प्रथम वर्ग का वर्गमूल और अंतिम पद का वर्गमूल
हो सकता हो तो आपका सर्वसामिकाय प्रयोग करके एग्जाम्पल कर सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी कोष तक का वर्ग, तो ए का वर्ग प्लस टू ए बी प्लस बी का वर्ग। ए का वर्ग यानी, ए का वर्ग यानी क्या लिखना, थ्री एक्स का वर्ग प्लस टू थ्री एक्स इंटू वन और प्लस में वाई का वर्ग कोष तक में है। तो पहला जो एग्जाम्पल है आपका, इसका शॉर्ट फॉर्म आता है थ्री एक्स प्लस वाई कोष तक का वर्ग, थ्री एक्स प्लस वाई, दूसरा कोष तक में थ्री एक्स प्लस वाई। दूसरा एग्जाम्पल है आपका फोर वाई का वर्ग माइनस फोर वाई प्लस वन, ये है ए प्लस बी, ए माइनस बी कोष तक का वर्ग, ए का वर्ग माइनस टू ए बी प्लस बी कोष तक का वर्ग वन का वर्ग, ये सूत्र आता है। फिर से एक बार, टू वाई का वर्ग माइनस टू इंटू टू वाई इंटू वन प्लस वन का वर्ग, तो टू वाई माइनस वन कोष तक का वर्ग और टू वाई वन प्लस वन और टू वाई प्लस माइनस वन, ये आता है। दोनों माइनस आएगा, टू वाई माइनस वन, टू वाई माइनस वन, समान आता है। अभी लास्ट एग्जांपल तीसरा आपका, कि एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटे में सौ। तो आपको याद है कि एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी पहला पद का वर्ग माइनस दूसरा पद का वर्ग, इसलिए एक्स एक्स कोष्ठक का कोष्ठक में एक्स प्लस वाई बटा टेन, तो पहले लिखना है एक्स कोष्ठक का वर्ग माइनस वाई बटा दस कोष्ठक का वर्ग, बराबर। तो ये वर्ग बी वर्ग हो गया, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई बटा टेन, एक्स माइनस वाई बटा टेन, इसका आंसर आता है एक्स का वर्ग बटा माइनस वाई का वर्ग बटा सौ। ये सूत्र कौन सा आया, ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, बराबर। तो ये जो सूत्र है सबका याद रखना, तो आपको एग्जाम्पल आएगा। अच्छी तरह से पहले देख के लिखो, फिर बिना देख के लिखो, फिर याद करो, फिर याद कर, अच्छा करो। पहले जैसे जैसे एग्जाम्पल कोर्स आपका चलता जाता है वैसे वैसे आप करना। थैंक यू।